हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, जो कि इसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एक मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज जिसको डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑनगोइंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हीं को देख कर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अगर आप मुझे अनअकैडमी फॉलो करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर लिखा हो एक्स बराबर 6 + 1/x, तो एक्स माइनस 1/x करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। क्या किया, 1/x को इस तरफ लाए, तो एक्स माइनस 1/x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें एक्स की पावर 4 लानी है, तो डायरेक्ट तो पावर 4 के पास नहीं पहुँच सकते। सबसे पहले एक्स स्क्वायर 1/x² के पास पहुँचेंगे, माइनस से सीधे प्लस पर आएंगे। जब माइनस से प्लस पर आते हैं, तो 6² + 2 करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो जो -2ab होगा इस तरफ जाएगा, वो +2ab हो जाता है, क्लियर। अब यही +2ab हमको फाइंड आउट करना है, तो 6² + 2 कितना होता है, 38 होता है, 38। अब हमारे पास पावर 2 आ गया, पावर 4 पहुँचना, पावर 2 गुना हो रहा है, यानी कि स्क्वायर का -2ab। ए +2ab होता है, यहाँ पर आके -2ab होता है, 38 का स्क्वायर करेंगे। अब इसका आप देखिए, ऑप्शन की जो लास्ट डिजिट है वो हर एक ऑप्शन में अलग है, तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट, सॉरी इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, 4 डिजिट मिलेगी, 4 4 मिलेगी। और ये यहाँ पर 2ab का मतलब क्या है, 2 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर लास्ट में 2 आना चाहिए। और ये जो सिंगल ऑप्शन ऐसा है कि इस पर लास्ट में 2 आ रहा है, वो बी ऑप्शन है हमारा, तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए 36 आया और ये 38 आया, और ये 2 माइनस किया, 1442 आया, क्या 14 ये आया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलजेब्रा का ये कह रहा है कि इक्वेशन गिवन है 2x² - 7x + 12 = 0, है ना। 2x - 7² x + 12 = 0 है, बट टाइम देख लेते हैं, 142। तो हैज अ रूट ऑफ अल्फा एंड बीटा, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यानी हमको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, जैसे अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। हम जानते हैं रूट सम ऑफ टू रूट्स क्या होता है, दो मूल का योग होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए यानी ax² + bx + c से अगर हम कंपैरिजन करें, तो बी की वैल्यू -7 दिखाई देगी, -7 / a, यानी कि यहाँ पर कितना 2 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/2। अल्फा एंड बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी कॉन्स्टेंट की वैल्यू और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू का डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 6। अब देखो बेटा, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है, लेकिन हमको क्या नहीं गिवन है, α² + β² लेकिन हम इसे कन्वर्ट तो कर सकते हैं, एटलीस्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab आ गया, ये 2ab ज़्यादा आ गया, तो इस 2ab को हटा दिया यहाँ से, और नीचे अल्फा बीटा लिखा था। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, 7/2, यानी कि 7/2 का स्क्वायर 49/2, 49/4, माइनस का 2 अल्फा बीटा, 2 × 12 कर दिया, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा यानी कि 6, 4 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हो जाएगा, 49 में से 48 जाएगा, 1/4 × 1/6, आंसर कितना आ गया, 1/24। ये सिंपली क्वेश्चन था, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन भी एलजेब्रा से ही रिलेटेड है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि x + 1/x = 2 है, तो हमें इसका और इसका प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का गुणनफल। अब x² + 1/x² क्या होता है, x + 1/x² - 2ab, x + 1/x² कितना होगा, a + b² - 2ab, ये वैल्यू इसकी हो गई। और कलर चेंज करके वैल्यू मैं इसके लिख देता हूँ, a³ + b³, यानी a + b³ होल क्यूब माइनस का 3a × b, x * 1/s कट गया, a + b, ये इतना आ गया, 2 का स्क्वायर - 2, यानी 4 में से 2 गया, यहाँ पर 2 आ गया, 2 का क्यूब 8, 8 में से 6 जाएगा, यहाँ पर भी आपको 2 ही मिलेगा, और 2 × 2 आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, t² - 4t + 1 = 0 है,
तो टी क्यू प्लस वन अपॉइंट टी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, टी प्लस वन अपॉइंट टी या माइनस, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब टी स्क्वायर माइनस फोर टी बराबर, अगर हम प्लस वन बराबर जीरो लिखा, अगर हम दोनों साइड हमारे पूरे इक्वेशन को टी से डिवाइड कर दें तो टी माइनस फोर प्लस वन अपॉइंट टी बराबर जीरो आ गया। जैसे ही इतना आया तो हमने देखा कि टी प्लस वन अपॉइंट टी बराबर फोर हो गया। तो टी प्लस वन अपॉइंट टू फोर है और इसका क्यूब निकालना है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ये आ गया 64 माइनस 12, और 64 में से 12 गया, 52 सवाल का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन हो तो ये इक्वेशन गिवन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर आप इतने इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, सर ये एनटीपीसी इतने इजी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, इसलिए मेरी मजबूरी है इन्हीं क्वेश्चन को आपको कराना, राइट। एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करना है। अब देखो भाई माइनस वन यहाँ रखेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये पावर इवन है तो ये प्लस वन हो जाएगा, यानी इवन और ऑड का सम हमेशा जीरो बनाएगा जब एक्स वैल्यू माइनस वन है। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। अब वन अपॉन एक्स माइनस वन बचा, तो वन अपॉन एक्स मतलब माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन, इट विल बी माइनस ऑफ टू, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टू, यानी ये माइनस टू हो गया, माइनस वन माइनस वन माइनस दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। कह रहा है 12 पंप्स वर्किंग 6 आवर्स पर डे कैन एम्प्टी अ कंप्लीटली फिल्ड रिजर्वायर इन 15 डेज, यानी 12 पंप्स चल रहे हैं, 6 घंटे ये काम कर रहे हैं, और किसी भी एक रिजर्वायर यानी कि कोई भी एक टैंक है, जलाशय है, उसे वो 15 दिन में खाली कर देता है। इसी जगह कितने और पंप की रिक्वायरमेंट होगी, पी स्टैंड फॉर पंप, 9 घंटे पर डे चले हैं तो 12 दिन तक चलने में कितना खाली कर देंगे। तो ये 12 से 12 कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 10, यानी कि 10 पंप्स की और ज़रूरत पड़ेगी जो कि 15 दिन तक, जो कि 12 दिन तक डेली 9 घंटे चलेंगे तो टैंक को पूरा खाली कर देंगे, जलाशय को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्स बराबर वन माइनस रूट टू लिखा हुआ है, एक्स बराबर वन माइनस रूट टू और हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए। देखिए वन अपॉन एक्स तो चाहिए चाहिए, अब वन अपॉन एक्स निकालने के लिए क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस रूट टू। अगर आपने हमारी क्लास कभी भी करी है तो मैंने बताया इन दोनों का अगर डिफरेंस एक है तो डायरेक्टली हम साइन चेंज करके इसको वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है भाई, इनको हम साइन चेंज करके वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन साइन चेंज करके तब लिख पाते हैं जब दोनों का डिफरेंस वन होता है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा है तो नीचे माइनस वन आ रहा है। मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वन माइनस रूट टू था ऊपर, हमने इसका परिमेयकरण कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, वन प्लस रूट टू का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ गया वन प्लस रूट टू, नीचे आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस में आ गया ये पूरा। अब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी, वन माइनस रूट टू माइनस ऑफ माइनस वन, वन प्लस रूट टू, ये माइनस और माइनस कितना होगा प्लस हो गया, जैसे ही प्लस हो जाएगा रूट टू से रूट टू कट जाएगा और इसका क्यूब निकालना था, तो वन प्लस वन टू का क्यूब, आंसर कितना आ गया 8 आ गया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो पाइप्स हैं किसी सिस्टम को 3 घंटे में और 4 घंटे में फिल करते हैं, जो वेस्ट पाइप है उसको 2 घंटे में इम्पटी कर देता है, यानी 3 घंटे और 4 घंटे में तो ये फिल करता है और वेस्ट पाइप 2 घंटे में से खाली कर देता है। 3 4 2 का एलसीएम 12 आ गया, 6 3 और यहाँ पर आ गया 4 और ये 3 और ये 6 से खाली कर रहा है। अब हमसे बोल रहा है कि सिस्टम कब फिल जाएगा, भाई तो 12 बटे 4 प्लस 3 माइनस 6, तो 12 बटे 7 में से 6 गया 1, 12 घंटे में वो टैंक पूरा फिल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, क्या था भाई, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन बोला है, एक्स की वैल्यू 1/3 बराबर वाई है, यानी एक्स और वाई का जो रेशियो आ गया वो 1:3 है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ब्लू हो गया, वाई और जेड का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो हमें निकालना है एक्स वाई जेड, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, 1 3 6 इसका आंसर हो गया,
1 3 और 6 हो गया, ठीक है भाई। और आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, पूछो कैसे सर, जब आपको पता था एक्स बराबर 1/3 y लिखा है, तो एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो देखा आपने 1:3 देखा, यानी यहाँ 1:3 नहीं बना, ये आंसर नहीं होगा, ये भी 1:3 नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी 1:3 नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये केवल 1:3 था, तो ये आंसर डायरेक्ट हो गया। कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, जो डायगोनल है उसका स्क्वायर क्या है, ए सेंटीमीटर है, जो डायगोनल है उसका जो स्क्वायर बना हुआ है वो ए सेंटीमीटर है, जो लेंथ ऑफ डायगोनल है मेरे दोस्तों वो ए सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मान लो कोई स्क्वायर है, ये क्या है, कोई स्क्वायर है और इसका जो डायगोनल है वो ए सेंटीमीटर है, ये इसका मान लो डायगोनल है, क्या है, ये इसका डायगोनल है, ये रहा इसका डायगोनल, है ना, ये कोई स्क्वायर है और इसका कोई डायगोनल बना हुआ है ये, ठीक है, और इसका जो डायगोनल की लंबाई है वो ए सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ए सेंटीमीटर बनी रहे लंबाई। कह रहा है कि कौन सा इसमें एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा, ये ए मतलब क्या, हम इसको एक जगह कुछ और मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं डायगोनल, अगर डायगोनल एस है, और वैसे ही क्या होता है इसका ए रूट, लेंथ ऑफ डायगोनल इज ए, ओके ओके ओके, कुछ नहीं मानते हम, ए ही मानते हैं, ये ए हो गया ये हमको ए गिवन, अगर हम वैसे माने साइड अगर एक्स और एक्स होगी तो ये एक्स रूट टू डायगोनल हो जाएगा, जो कि हमको ए गिवन गिवन है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन रूट टू आ गई, और हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर अपॉन टू, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ का रेशियो 1:2 है, इसका रेशियो निकालना है, देखो बेटा ए सी और ई बी डी एफ अल्टरनेट में है, यहाँ पर जब अल्टरनेट में होता है तो वही आंसर होता है हमारा जो क्वेश्चन में लिखा होता है 1:2। कह रहे हैं कि देर आर 225 कंसिस्टिंग, यानी कंसिस्टिंग 225 रुपए है हमारे पास टोटल, एक बैग है जिसमें से 225 रुपए है हमारे पास, कितने हैं 225 रुपीज़ है, और वो कह रहा है कि 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए, यानी ये 1 रुपए हो गया, 50 पैसे का मतलब कितना होता है, 1/2 रुपए, 1 रुपए, 1/2, 25 पैसे यानी 25/100, 1/4 रुपए के ये पैसे, ये क्या है, फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब है जो कॉइन, जितने का कॉइन है, कॉइन की वैल्यू है, कीमत ऑफ द कॉइन है, राइट। कह रहा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रेशियो, जो कॉइन का जो रेशियो दे रखा मेरे दोस्त वो कितना है, 8:5 और रेशियो 3 दे रखा है। अब देखो दोस्त, आपके पास अगर आपकी पॉकेट में 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो यानी कि आपके पास टोटल कितने हैं, 8 रुपए हैं, अगर आपके पास 8 आने, यानी कि 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, यानी आपके पास कितने हैं, 2.5 रुपए हैं, अगर आपके पास 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, यानी कि आपका 75 पैसे हैं, यानी कि 3/4 पैसे हैं, ये जो टोटल रुपए हैं हमारे पास, इन टोटल रुपए की जो कीमत हमको दे रखी है वो 225 रुपये दे रखी है, यानी 8 4 का एल्सियम ले लेंगे तो 32 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, और प्लस का 3/4, यही जो पैसा हमको दे रखा है 225 रुपीज़ दे रखा है, 4200 3 45/4, 45/4 की जो कीमत है वो 225 रुपये, 45 से काटेंगे 5 बार और 4 का मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू 20 के बराबर है, यानी द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 20, हमसे कह रहा है फाइंड द रुपीज ऑफ 1 रुपये, 1 रुपये के 8 कॉइन है, 1 की वैल्यू 20 है, तो 8 की वैल्यू 20 × 8, 20 × 8 160 पैसे, 160 कॉइन है जो कि 1 रुपये के हैं, अगर हमसे बोलता कि 50 पैसे कॉइन कितने, तो हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देते, 40 कॉइन आ जाते हमारे 50 पैसे के, और हमसे बोलता है कि 25 पैसे कॉइन कितने, तो 8 के मल्टीप्लाई करते 24 कॉइन हमारे कितने होते, आपके 25 पैसे के निकल कर आ जाते हैं, ये आपका आंसर हो जाता। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 10 ईयर हेंस विल बी 5:3, 10 साल पहले, पहले नहीं यहाँ पे बाद में लिखा होगा, हेंस का मतलब होता है बाद में, ठीक है। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, 10 साल बाद जो रेशियो होगी वो कितना होगा, 10 साल बाद, यानी आज से 10 साल बाद जो इनकी एज का रेशियो होगा वो 5:3 होगा, वाइल द 10 ईयर्स एगो,
यहीं से 10 साल पहले, यानी अगर आज हमारे पास जो ईयर है वो 2021 है, 2021 से 10 साल पहले यानी 2031 में एज ये था, और 2011 में जो इनका रेशियो का एज था वो 3:1 था। ठीक है, बहुत आराम समझिएगा कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड टूडे, यानी कि 2021 में एज पता करनी है, आज की एज पता करनी है, 10 साल बाद की दी है, 10 साल पहले की दी है। एज चाहे कितने भी साल पहले और बाद की दी हो, अगर दो व्यक्तियों की एज की फादर और सन की एज का जो रेशियो है, रेशियो का मतलब जो उनकी एज का अंतर है, यानी अगर आज मैं 10 साल का हूँ, मेरे अगर मैं आज 10 साल का हूँ, मेरे पापा 30 साल के हैं, तो हमारे पापा और मेरे में एज का जो गैप है वो 20 साल का, वो हमेशा मेंटेन रहेगा, चाहे हमारी शादी हो जाए, चाहे बच्चे हो जाए, चाहे बूढ़े हो जाए, चाहे दांत निकल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एज का डिफरेंस कभी कम नहीं होगा। राइट, किसी की एज रुक नहीं सकती। राइट, कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी, जितनी आपकी बढ़ेगी उतनी किसी अदर पर्सन बढ़े जिससे आप कंपेरिजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अंतर है वो बेटा दो का अंतर, तीन में से एक या दो, पांच में से तीन या दो, अंतर ऑलरेडी सेम है। तो ये 3 साल थे पिताजी, अब 5 साल हो गए पिताजी, 3 साल से 5 साल हो गए। एक सेकेंड, ये नॉइस बहुत आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 3 से 5 हो गया, यानी कि दो एज बढ़ गई, दो यूनिट की जो एज बढ़ी वो 10 साल इधर गए हम आगे और 10 साल हम इधर आगे गए, टोटल गैप कितना 20 साल, यानी दो बराबर हमको 20 आ गया, दो बराबर 20 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20/2 10 हो गई, जो 10 हो गई तो 3 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, और 1 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अगर हमसे सवाल पूछता कि 10 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी है, तो हम बोलते 30 साल है, बोलता कि बच्चे की उम्र यानी सन की एज कितनी है, हम बोलते 10 साल है, बोला प्रेजेंट एज बताओ, तो 30 साल, 10 साल बाद 30 साल, अगर आज पिताजी 30 साल के हैं 2011 में, 10 साल बाद पिताजी कितने हो जाएंगे, 30 और 10 40 साल के हो जाएंगे, और सन कितना हो, 10 और 10 20 साल का सन हो जाएगा। अगर हमसे पूछा 10 साल बाद कितनी एज होगी, तो हम बोलते 50 साल और 30 साल हो जाती। अब हमसे पूछा रेशियो बताओ सन का और फादर का, तो सन हमारे 20 साल गए हैं, फादर हमारे 40 साल गए हैं, 20 दूनी 40, यानी रेशियो कितना गया, 1:2, ये इसका आंसर हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900, बट द रिटेलर, एक बार टाइम देख लेता हूँ, बट द रिटेलर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ही सेल्स द आर्टिकल ऑफ 900, रिटेलर्स गेन्स परसेंट। मैं ये क्वेश्चन आपको आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का, अगर अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर को वीडियो के नीचे कमेंट करें, आंसर को जरूर कमेंट करें, मुझे इस बात का इंतजार रहेगा। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, अगर प्रिंटेड प्राइस यानी कि मार्क प्राइस 900 है, उस पर डिस्काउंट देंगे 40%, यानी आर्टिकल की कीमत आपने चुकाई 60%, 900 को 60% करेंगे तो 540 आएगा, वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब आप इसको बेच रहे हैं 900 रुपये में, तो कंपैरिजन कर लेंगे, वहाँ से गेन परसेंट निकालेंगे, हिंट दे दिया, बट आप इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। आज मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड कर लिए, लास्ट डे है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप वीडियो को बने रहें, देखते रहें, कंटेंट समझते रहें और प्रिपरेशन करते रहें। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, आपको लगता है कि अगर आप इस सब्जेक्ट्स में यानी मैथ्स के किसी भी टॉपिक को आप चाहते हैं कि इसका कंप्लीट स्टडी कराया जाए, या इस टॉपिक पर इस वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, इस फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, तो आप जरूर कमेंट करके डिस्कस करिए, मैं आपको उसमें 100% हेल्प करूँगा और उस पर जरूर लुक फॉरवर्ड करूँगा उस पर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें स्पीडअप का, जिसमें आपको ये कॉन्टेंट की PDF वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी इफ़ यू रिक्वायर्ड। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।